कहानी जो मन को छू जाए, आपके मन को गुदगुदाए और कुछ सोचने पर मजबूर करे, ऐसी ही कहानियों में से है ये कहानी समय का हेरफेर, जिसे लिखा है डॉक्टर नविता ने। एक नगर में एक अमीर व्यक्ति की बड़ी ही धूमधाम के साथ बारात जा रही थी। वहीं से एक मजदूर दिन भर की मेहनत मजदूरी करके अपने घर की तरफ बढ़ रहा था। मजदूर काफी ज्यादा खुश था क्योंकि उसके गमछे में उसकी दिन भर की मेहनत के पसीने के साथ साथ कुछ पैसे उसने अपने गमछे में बांध रखे थे। वो जैसे जैसे अपने कदम आगे बढ़ा रहा था, वैसे वैसे वो बहुत ज्यादा खुश हो रहा था। जैसे ही मजदूर की नजर उस अमीर व्यक्ति की बारात पर जाती है, वो उस बारात को देखते हुए बहुत खुश होता है और वहीं खड़ा होकर सोचने लगता है, एक दिन मेरी भी बारात ऐसे ही जाएगी, एक दिन मेरे पास भी बहुत सारे पैसे होंगे, एक दिन मैं भी राजकुमार की तरह घोड़ी पर बैठकर अपनी राजकुमारी को लेने जाऊंगा, एक दिन मेरा भी ब्याह होगा। मजदूर वहीं बीच सड़क पर खड़ा होकर अपने ख्यालों में खोया होता है। तभी बारात के साथ जाने वाले कुछ नौकरों ने उसके साथ धक्का मुक्की की और गुस्से से उस मजदूर से कहने लगे, अरे ओ गरीब, हट यहां से, दिखाई नहीं दे रहा कि बारात जा रही है यहां। जैसे ही वो नौकर उस मजदूर को धिक्कारने लगता है, वैसे ही उस मजदूर की कल्पना चकनाचूर हो जाती है। मजदूर ने उस नौकर से कहा कि ये सड़क क्या सिर्फ तुम लोगों के लिए बनी है? हम जैसे लोगों के लिए नहीं बनी है क्या? और अगर तुम्हें बारात लेकर जाना है तो तुम किनारे से चले जाओ, इस रास्ते पर सभी का हक है आने जाने का, तुम यूं मुझे भगा नहीं सकते यहां से। मजदूर जैसे ही उन लोगों को ऐसा जवाब देता है, उस अमीर व्यक्ति के बारात में जाने वाले सभी लोग गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं और वो उस मजदूर को भरी बारात के सामने पीटने लगते हैं और उसको मार पीट कर एक सुनसान जंगल में फेंक देते हैं। हर तरफ निराशा का अंधेरा छाया था। बेचारा मजदूर खुद को बहुत बेबस महसूस कर रहा था। उसके बदन पर सिर्फ और सिर्फ दो ही कपड़े थे, एक काफी पुरानी बनियान और पुरानी फटी धोती थी। बेचारा मजदूर रोते हुए आसमान को देखते हुए आंखों में आंसू भरकर कहता है, ये सब क्या है भगवान? क्या हम मजदूरों को इसलिए बनाया है तूने? हमारे पास ना ही धन है दौलत है, ना ही हमारे पास नौकर चाकर है, ना ही हमारे पास महल अटरिया है, फिर क्यों हमें इस दुनिया में भेजा? क्या जरूरत है हमारी इस दुनिया में? ऐसे ही कई वर्ष बीत गए। उस मजदूर ने जी जान से खूब काम किया, दिन रात आराम बेचा, रात की नींद बेच, शतरंज की चाले चली, छल कपट धोखे से धन कमाया और धनी बन गया। वो मजदूर अब मजदूर नहीं था, बल्कि अपने नगर का एक नामी रईस राजा बन चुका था। अब उसके पास सब कुछ था। उसके संदूक में रुपए थे, उसके पास रहने के लिए विशाल महल था, लोग उसके सामने सिर झुकाते थे। ऐसे एक बार सांझ के समय वो मजदूर, जो कि अब एक रईस नगर का राजा था, वो पालकी में सवार होकर अपने नगर की ओर लौट रहा था। अचानक से एकाएक उसकी सवारी रुक गई। वो मजदूर राजा अपने नौकर से कहने लगा, अरे क्या हुआ, सवारी क्यों रोक दी गई? मजदूर राजा के नौकर ने उसे जवाब देते हुए कहा कि राजन, लगता है किसी मजदूर की बारात जा रही है। तभी मजदूर राजा ने अपने नौकर से कहा कि उन्हें कहो कि एक और हट जाए। मजदूर राजा के नौकर ने अपने राजा को जवाब देते हुए कहा कि राजन, वो लोग कहते हैं कि सड़क सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं बनी है, इस पर हम भी चल सकते हैं। ये बात सुनकर मजदूर राजा गुस्सा हो जाता है और वो अपने नौकरों को आदेश देता है कि वो उस मजदूर के बरातियों को वहां से मारपीट कर भगा दे। मजदूर राजा के कहने पर उसके नौकर उस मजदूर के बरातियों को मारपीट कर बुरी तरह से वहां से भगा देते हैं। आसपास के लोगों की भगदड़ मच जाती है। ये सब देखकर उस मजदूर राजा का दिमाग खराब हो जाता है और वो अपने नौकर से कहता है कि मुझे पालकी से उतार दो, मैं कुछ देर इसी सड़क पर बैठना चाहता हूं। मजदूर राजा के नौकर सड़क के किनारे एक गलीचा बिछा देते हैं। मजदूर राजा उस गलीचे पर आकर बैठ जाता है। नीचे जमीन पर बैठने के बाद उस मजदूर राजा को महसूस होता है कि जैसे वो पहले भी यहां बैठ चुका है, शायद कई साल पहले, शायद पिछले जन्म में। उस समय उसका शरीर अपनी पोशाक में गर्म था। उसके सामने उसके नौकर हाथ बांधे खड़े थे और शहर में उसके राज से महल का द्वार भी खुला हुआ था। वो मजदूर अपना बीता हुआ कल याद करता है और अपनी आंखों को आसमान की ओर उठाता है
और बोलता है, हे प्रभु, इन अभागे मजदूर के पास न धन है, न दौलत है, न ही नौकर चाकर हैं। फिर तूने इन्हें पैदा ही क्यों किया? क्या सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि ये हम लोगों के रास्ते में खड़े हों और हमारा समय नष्ट करें? आखिर दुनिया को इनकी जरूरत ही क्या है? ये कहानी है, फकीर से कौन जीत सकता है। मध्य भारत के किसी गांव में एक महान फकीर रहा करता था। वो ज्ञानी होने के साथ साथ करुणाशील भी था। वो किसी से अनावश्यक भेंट भी नहीं स्वीकारता था। बड़ा ही सादगीपूर्ण जीवन था उसका। एक कक्ष के झोंपड़े में वो रहता था। पूंजी के नाम पर उसके पास चंद बर्तन और दो कंबल के अलावा कुछ न था। अब उन कंबलों को चाहे वस्त्र कह दो या उसका ओढ़ना बिछोना, परंतु ओढ़ने बिछोने के नाम पर जो कुछ भी उसके पास था बस वही था। स्वाभाविक तौर पर जब इतना महान फकीर था तो पूरा गांव उसकी बड़ी इज्जत भी करता था। और उनकी जो बात मैं बताने जा रहा हूँ वो सर्दी के मौसम की है। बड़े कड़ाके की ठंड पड़ रही थी उन दिनों। ठंड की ऐसी ही एक रात्रि को हमेशा की तरह फकीर अपने एक कंबल ओढ़े व एक बिछाए सो रहा था। अब फकीर तो वही है जो स्वयं के भरोसे जीते हैं। सो झोपड़े के दरवाजे पर साकल वगैरह लगाने का भी सवाल नहीं उठता था। उधर उसी समय एक भूखा चोर गांव में तफरी पर निकल पड़ा। उसे अन्य कहीं घुसने में तो सफलता नहीं मिली, परंतु चूंकि फकीर का द्वार खुला था सो वो चोरी करने वहीं घुस गया। अंधेरे में 10-1 मिनट तक उसने पूरा झोपड़ा टटोला, पर उसे एक छोटा भगोना व टूटे गिलास के अलावा कुछ न मिला। अब इस मौसम में ये दो टूटे फूटे बर्तन प्राप्त करने हेतु तो उसने ये कष्ट नहीं उठाए थे, सो स्वाभाविक तौर पर वो निराश हो गया। इधर फकीर की नींद क्या, वो तो पहली आहट से ही जाग गया था। परंतु फकीर भी फकीर था। वो आंखें बंद किए ही इस तमाशे का मजा ले रहा था। उधर चोर को अंत में जब कुछ न सूझा तो उसने फकीर का ओढ़ा हुआ कंबल ही झपट लिया। कम से कम कुछ आत्मसंतोष तो मिलना चाहिए। इतनी रात को इतनी तकलीफ उठाने के बाद भी हाथ कुछ न लगे तो ये तो नाकामी हुई, और नाकामी तो नाकामी है, चोर तक को पसंद नहीं आ सकती है। सो बस कंबल मारने के आत्मसंतोष के साथ वो दरवाजे से बाहर निकलने को हुआ, लेकिन वो निकल नहीं पाया क्योंकि फकीर ये सारा तमाशा देख ही रहा था और अब उसके बीच में कूदने का वक्त भी आ ही गया था। बस उसने दरवाजे के बाहर जाते चोर को कड़क आवाज में रुकने को कहा। फकीर की रौबदार आवाज सुन चोर के पांव तो पांव ही जकड़ गए। इस दरमियान फकीर उठ खड़ा हुआ और उसे भीतर आने को कहा। चोर के तो भारी ठंड में पसीने छूट गए। बेचारा चुपचाप वापस अंदर आ गया। इधर चोर के चेहरे पर ऐसी घबराहट देख फकीर ने बड़ी विनम्रता पूर्वक उससे माफी मांगते हुए कहा, माफ करना भाई, तुम इतनी ठंड में इतनी दूर से आए पर मैं तुम्हारी कोई सहायता न कर सका। घर में कुछ है ही नहीं जो तुम्हें संतुष्ट कर पाऊं, लेकिन अगली बार आना हो तो इतला करके आना। आसपास से मांगकर कुछ एकत्रित कर लूंगा ताकि तुमको इस कदर निराशा लेकर न जाना पड़े। उधर चोर जो पहले ही फकीर की कड़क आवाज सुन घबराया हुआ था, अब ऐसा हसीन प्रस्ताव सुनते ही बर्तन के साथ साथ उसके हाथ से कंबल भी छूट गया। बौखला तो ऐसा गया कि बिना कुछ लिए ही भागने को हुआ। ये देख फकीर ने फिर गरजते हुए उससे कहा, जो लेकर जा रहे थे वो सब तो लेकर ही जाना होगा, और हाँ, जाते वक्त ये दरवाजा जरा सरका देना ताकि मैं ठंड से बच सकूं। बेचारा चोर, वो तो रुआबदार आवाज के सम्मोहन में फकीर का हर हुक्म मानने को बाध्य हो गया। उसने वो फेंका कंबल व बर्तन फिर उठाए और जैसा कि फकीर ने कहा था दरवाजा आड़ा कर चलते बना। यहाँ तक तो सब ठीक, पर सुबह होते होते तो वो पकड़ा भी गया। वो तो पकड़ा ही जाना था क्योंकि फकीर के कंबल से पूरा गांव परिचित था। स्वाभाविक तौर पर सबको उस चोर पर बड़ा क्रोध भी आ रहा था। दुष्ट को चोरी करने के लिए क्या ये सज्जन फकीर का ही झोंपड़ा मिला? बस पकड़कर उसे पंचायत में पेश कर दिया गया। पूरी पंचायत भी चोर से सख्त नाराज हो उठी। सबका मन तो कर रहा था कि फकीर के यहाँ चोरी करने वाले को तो फांसी की सजा दी जानी चाहिए। खैर, उधर पंचायत में चोर की सजा को लेकर बकझक चल ही रही थी कि उड़ते उड़ते ये खबर फकीर के पास भी जा पहुंची कि चोर पकड़ा गया है और पंचायत उसे सजा जल्द ही सुनाने वाली है। खबर सुनते ही फकीर दौड़ा दौड़ा
पंचायत जा पहुंचा। उसने वहां जाकर साफ कहा कि ये कंबल व बर्तन उसने चुराए नहीं, बल्कि मैंने ही उसे ये सब ले जाने को कहा था। ये तो बड़ा ही सज्जन व्यक्ति है, इसने तो जाते जाते मुझे ठंड न लगे इस ख्याल से घर का दरवाजा तक अड़ा दिया था। खैर, फकीर के बयान के बाद पंचायत के पास चोर को सजा देने का कोई उपाय नहीं बचा था, सो चोर को छोड़ दिया गया। अब चोर सजा से तो बच गया, परंतु फकीर द्वारा करी गई करुणा में उलझ गया। पंचायत से निकलते ही उसका रो रोकर बुरा हाल हो गया। वो रोते हुए सीधा फकीर के चरणों में गिर पड़ा। यही नहीं, उसने फकीर से अपना सेवक बनाने की रट ही पकड़ ली। कुछ आनाकानी कर फकीर ने उसे सेवा का मौका देना तय किया और उसे अपने साथ घर ले आया। कहने की जरूरत नहीं कि उस चोर के साथ साथ फकीर के कंबल व बर्तन भी घर वापस लौट आए। ये तो ठीक, पर घर लौटते ही फकीर उस चोर पर खूब हंसा और हंसते हुए बोला, देखिए मेरी चाल, मेरे कंबल व बर्तन तो वापस लौट ही आए, साथ में सेवा करने हेतु एक सेवक भी ले आया। याद रख कि फकीर का कोई सौदा कभी घाटे का नहीं होता। इस कहानी का सार यही है, इसे कहते हैं आत्मविश्वास। आत्मविश्वास मनुष्य की अपनी मानसिक क्षमता है और ये मानसिक क्षमता कभी दूसरे के भरोसे नहीं आ सकती। वो दूसरा कोई क्षमतावान व्यक्ति हो या कोई महान सिद्धांत, वो दूसरा फिर चाहे बड़े से बड़ा धन हो या सत्ता का कोई शिखर। ध्यान रख ही लो कि धन व्यक्ति वस्तु विचार धर्म या सत्ता में ऐसा कुछ भी नहीं जो मनुष्य को आत्मविश्वास से भर सके। मनुष्य का आत्मविश्वास सिर्फ उसकी अपनी प्रतिभा के प्रति ही हो सकता है, जैसा कि उपरोक्त उदाहरण में फकीर को अपनी फकीराई पर था। सुनते रहो दिल से यही कहानियां आपकी हमारी और सबकी, जो दिलों को छू लेती है। सुनते रहें कहानियां।